डियर स्टूडेंट्स, इट्स योर एक्टिविटी बुक पार्ट वन। ओपन योर बुक, ओपन योर पेज नंबर 49। माई फैमिली, ठीक है। माई फैमिली में देखिए कौन कौन मेंबर्स होते हैं जो आपकी फैमिली में होते हैं। ग्रैंडफादर, ब्रदर, फादर, मदर, ग्रैंडमदर, सिस्टर्स, ठीक है। ग्रैंडफादर दादाजी, ब्रदर भाई, फादर पिता, मदर मम्मी, ग्रैंडमदर दादी माँ, सिस्टर बहन। यहाँ देखिए इस रेक्टेंगल की शेप्स में ये जो बॉक्स बने हुए हैं ना, यहाँ आपको बैक पेज पर, पेज नंबर 51 पर यहाँ पिक्चर्स दी हुई है ना, मदर फादर सिस्टर ग्रैंडमदर ब्रदर ग्रैंडफादर। तो यहाँ से पिक्चर्स कट करके आपको यहाँ पेस्ट करनी है। जैसे ये ग्रैंडफादर हैं तो ग्रैंडफादर की पिक्चर्स यहाँ पेस्ट करेंगे, ऐसे फादर की है ना, और यहाँ ग्रैंड मदर, ब्रदर, मदर एंड सिस्टर। ओके, नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 53। माय बॉडी मतलब बॉडी पार्ट्स, ठीक है, आपके बॉडी पार्ट्स। जैसे आईज, तो आईज किस लिए यूज़ में होती है, देखने के, सी, ठीक है, सी। आई से हम क्या करते हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें देखते हैं, कोई भी चीज़ रखी होती है, कोई वस्तु रखी हुई होती है या दूर से हमें कुछ, तो किससे करते हैं, देखते हैं, आई से, ठीक है। ईयर से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, सुनने का, ठीक है, म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई बातें हैं, कुछ बात है तो वो सुनते हैं, टीवी सीरियल में जो आप टीवी देखते हो वो सुनते हैं उनकी। नेक्स्ट टंग, टंग से किसका पता चलता है, टेस्ट का, ठीक है, जिस जो आप कोई भी चीज़ खाते हो तो उसका स्वाद कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, तो किससे पता चलता है, टंग से। नेक्स्ट फिंगर, ठीक है, हैंड, जिस जैसे आप कोई भी चीज़ टच करोगे तो किससे पता चलेगा आपको, फिंगर से, तो फिंगर से क्या पता चलता है, टच। नेक्स्ट नोज, नोज से किसका पता चलता है, किसका पता चलता है, स्मेल का, कि हमें खुशबू किस चीज़ की आ रही है, नोज से स्मेल का। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स बने हुए हैं, इसमें आपको क्या करना चाहिए, करना है बैक साइड में, सबसे बैक साइड में देखिए यहाँ पर स्टिकर्स दिए हुए हैं, तो आप इनके अकॉर्डिंग यहाँ पेस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर ये म्यूज़िक सुन रहा है बॉय, तो किसे सुनते हैं म्यूज़िक, ईयर से यहाँ पेस्ट करेंगे, इस तरह से वर्क करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 55। माय स्कूल, मैंने आपको क्लासरूम के बारे में बताया था, आपके क्लासरूम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देखिए क्रियॉन्स कलर, टेबल, बैग, बुक्स, पेंसिल, इरेजर, चॉक, डस्टर, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे स्कूल में नहीं होती है, तो किचन की थिंग्स है ना। और क्लासरूम ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, टेबल, क्रियॉन्स, बैग एंड बुक्स। इसमें आपको क्या करना है, कलर, तो इनमें आप क्या करोगे, कलर, सुंदर सुंदर कलर करोगे आप अपने क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स में। ओके, हैव ए नाइस डे।